नमस्कार, मेरा नाम वंदना अग्रवाल है। आज का मेरा टॉपिक है कि मैंने यहाँ पर क्यू के टाइप्स को पिक्टोरियल फॉर्म में यूज़ किया है। जब भी हम क्यू यूज़ करते हैं, हमारे पहले वीडियो में हमने देखा था कि क्यू जो है वो चार प्रकार की होती है, सिंपल क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू एंड डी क्यू। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि हम पिक्चर वे में हम देख रहे हैं कि हमारे क्यू जो है वो किस तरीके से वर्क करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक सर्कुलर क्यू यहाँ पर बनी हुई है। सर्कुलर क्यू जो है वो नॉर्मली क्यू होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी जो एलिमेंट जो है वह तब तक इंसर्ट होता है आपकी क्यू में जब तक कि आपकी क्यू फुल नहीं हो जाती। एक बार अगर आपकी क्यू जो है वह फुल हो जाती है तो हम इसमें कोई भी एलिमेंट जो है वह और इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। मे बी पॉसिबल है कि आपके फ्रंट के पास में या आपके क्यू के फ्रंट में आपके पास में स्पेस अवेलेबल हो, लेकिन हम यहाँ पर लेके चलते हैं कि यदि हमारी क्यू जो है वह फुल हो गई है तो हम उसमें एलिमेंट्स का आगे इंसर्शन नहीं कर पाएंगे। ये जो है हमारे लिए यह फीफो ऑर्डर पर ही वर्क करती है। सर्कुलर क्यू जो है वो फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट पर ही वर्क करती है। जिसकी पोजीशन फर्स्ट है वह एलिमेंट पहले प्रोसेस्ड होगा, जिसकी पोजीशन लास्ट है वह आपके लास्ट में कनेक्ट हुआ है, उसकी पोजीशन लास्ट है तो वह लास्ट में ही वर्क करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास में एक रिंग भर जाती है जिसको हम रिंग बफर भी बोलते हैं। तो सर्कुलर क्यू जो है वह हमारे लिए एक ऑपरेशन उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। हम चेक करते हैं कि क्यू इज़ फुल और नॉट। इफ़ क्यू फुल हो जाती है तो हमारा इंसर्शन जो है वो वहाँ पर रुक जाएगा और हमारी क्यू के जितने भी एलिमेंट्स हैं फीफो ऑर्डर पर पहले उनके वर्किंग होगी। देन हमारी क्यू जब एम्प्टी हो जाएगी, मे बी हमको नेक्स्ट प्रोसेसेस की ज़रूरत पड़ेगी, तब हम फिर से इसको यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से फ्रंट एंड रेयर जो है वो हमारे सर्कुलर क्यू में एक ही एंड से यूज़ होता है। देन उसके बाद में देखिए, यहाँ पर डी क्यू का मैंने पिक्चर बनाया है। डी क्यू क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर जो है वो डबल एंडेड क्यू है। तो देखिए, एक तरीके से यदि कोई जो एंड है वह यदि आपके लिए फ्रंट की तरह वर्क कर रहा है तो वही एंड जो है वो आपके लिए रेयर की तरह भी वर्क करेगा। यहाँ पर जैसे क्या हो रहा है कि एड टू फ्रंट, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं फ्रंट के लिए, तो यहीं पर हम रिमूवल भी कर रहे हैं, रिमूवल फ्रॉम फ्रंट। इस तरीके से एड टू रेयर हो रहा है एंड रिमूवल फ्रॉम रेयर हो रहा है। दैट मीन्स हमारे पास क्या हो रहा है कि इस एंड पर भी हमारे ये फ्रंट एंड एंड है, यह जो है वह भी हमारे लिए फ्रंट और रेयर की तरह वर्क कर रहा है। तो हमारे पास ये डबल क्यू बनती है कि आपका जो डेटा है यहाँ पर ये दो प्रकार से यूज़ हो रहा है कि कहाँ से मतलब किस एलिमेंट का फ्रंट कौन सा है, वह कहाँ से क्यू में जुड़ रहा है और उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए रेयर क्या था। सेम दूसरे एलिमेंट के लिए यदि वह किसी एलिमेंट क्यू में जुड़ रहा है तो उसका फ्रंट पॉइंट क्या था और उसका रेयर पॉइंट क्या था। तो इस तरीके से हम डबल एंडेड क्यू देखते हैं जिसमें हमको दोनों एंड पे फ्रंट एंड रेयर दोनों की जो है वह जो फैसिलिटी है वह मिलती है। तो इस तरीके से हमारे पास में देखिए कि रेयर में भी हम डेटा ऐड कर रहे हैं और रिमूवल कर रहे हैं, और फ्रंट में भी हम डेटा ऐड कर रहे हैं एंड रिमूवल कर रहे हैं। जब भी हम डबल एंडेड क्यू बनाते हैं, हमारी जो डबल एंडेड क्यू है वह दो तरीके से वर्क करती है। एक होती है आपकी इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू और एक होती है आपकी आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू क्या होती है कि इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू जो है उसमें क्या होगा कि आपका जो इंसर्शन ऑपरेशन है वह केवल एक एंड से परफॉर्म होगा और जो अनदर एंड है वहाँ से आप डिलीशन और इंसर्शन दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने लिया है यहाँ से इस रेयर पॉइंट से हम केवल डिलीशन कर रहे हैं, जबकि हम फ्रंट पॉइंट पर क्या ले रहे हैं, इंसर्शन एंड डिलीशन दोनों ले रहे हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इनपुट है हमारे लिए वो रिस्ट्रिक्टेड है, इंसर्शन ऑपरेशन हम एक एंड से ले रहे हैं और इंसर्शन डिलीशन जो है दूसरे पॉइंट पर हम एक साथ ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए जो डेटा है वो इंसर्ट जो है वह एक बार हो रहा है और जो डिलीट है वो दोनों पॉइंट से हो रहा है। इसके अपोजिटली हमारे पास में रहती है आपकी जो सेकेंड है वो है आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। यहाँ पर देखिए, इंसर्शन दोनों पॉइंट से हो रहा है लेकिन डिलीशन जो है वह एक ही पॉइंट से हो रहा है। मतलब हमने यहाँ पर क्या किया, आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड किया है। मतलब हमारे पास जो डेटा है वह हमारे पास में जो है डिलीशन ऑपरेशन जो है वह एक एंड से परफॉर्म होगा, लेकिन जो इंसर्शन ऑपरेशन है वो हमारे दोनों एलिमेंट दोनों
पॉइंट से यहाँ पर परफॉर्म किया जा सकता है। तो हमारी जो डबल एंडेड क्यू होती है उसमें हम फ्रंट एंड रियर के हिसाब से अपनी इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू या आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू भी बना सकते हैं। उसी तरीके से देन होता है हमारा प्रियोरिटी क्यू। प्रियोरिटी क्यू को हमने पहले भी देखा था कि हर एलिमेंट की एक प्रियोरिटी होती है। जब भी उसका इंसर्शन अपडेशन होगा या उसके बाद में जब वो क्यू में अपनी जगह बना लेंगे तो हम चेक करेंगे कि उनकी मैक्सिमम प्रियोरिटी क्या है। जो जिस एलिमेंट की मैक्सिमम प्रियोरिटी होगी वह एलिमेंट पहले यूज़ किया जाएगा, उसके ऊपर ऑपरेशंस भी उसी तरीके से परफॉर्म होंगे। जब वो आपका प्रोसेस्ड हो जाएगा उसके बाद में नेक्स्ट प्रियोरिटी किसकी है हम उसको चेक करेंगे एंड देन उस एलिमेंट को हम यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से प्रियोरिटी के बेस पर मैक्सिमम टू मिनिमम प्रियोरिटी में हम वर्क करते हैं, और मैक्सिमम प्रियोरिटी एलिमेंट जो है वो पहले वर्क होगा, देन उसके बाद जो है प्रियोरिटी के आधार पर एलिमेंट्स को यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम कितने टाइप्स की क्यू को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।